नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से रिश्तों के एक कत्ल की बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस इस मामले का खुलासा करने के दौरान अब ये सोचकर ही हैरान है कि कोई बाप इतना बेरहम कैसे हो सकता है जो पहले अपनी बेटी का बलात्कार करे और फिर उसका कत्ल कर दे। ये घटना भोपाल के रातीबाड़ इलाके की है, जहां समझगढ़ के जंगलों में रविवार को एक महिला और एक छोटे से बच्चे का शव मिला था। रातीबाड़ पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो मालूम हुआ कि जिस महिला का शव मिला है, दरअसल वो सीहोर जिले के बिल्किसगंज की रहने वाली है। समझगढ़ के थोड़े जब आगे जाएंगे तो बिल्किसगंज लगता है, जो कि सीहोर जिले में आता है। पूछताछ हुई, पूछताछ के दौरान ये तथ्य भी सामने आया कि महिला ने एक साल पहले ही लव मैरिज की थी। परिवार इससे बेहद नाराज था। शादी करके महिला अपने पति के साथ रायपुर चली गई थी। इसी साल दिवाली मनाने वो अपनी बड़ी बहन के पास भोपाल के रातीबाड़ इलाके में पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान उसके साथ जो उसका 8 महीने का बच्चा था, बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसकी जानकारी महिला के पिता यानी बच्चे के नाना को दी जाती है। महिला का पिता यानी बच्चे का नाना इस बात से पहले से ही गुस्सा था कि समाज में उसकी बदनामी हो गई थी उसकी बेटी की लव मैरिज से। वो महिला घर जाता है और अपने जो नाती है उसे दफनाने की बात कहकर वो अपनी बेटी को साथ में बाइक पर समझगढ़ के जंगलों में ले जाता है। यहाँ पर वो अपनी बेटी से लव मैरिज करने की वजह पूछता है। इस दौरान दोनों में काफ़ी बहस होती है। गुस्से के बाद जो आरोपी है, जो मृतक महिला है उसका पिता भी लगता है रिश्ते में, वो पहले महिला के साथ बलात्कार करता है अपनी बेटी के साथ और फिर बाद में गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। यही नहीं, क्योंकि बच्चे की मौत हो चुकी थी, उसका शव भी वहीं समझगढ़ के जंगलों में फेंक दिया जाता है महिला के शव के साथ ही। अब जांच में जब ये बात सामने आती है, लव मैरिज वाला एंगल निकल के सामने आता है, तो पुलिस परिवार के लोगों से पूछताछ करती है। उसके बाद ही पिता पर शक जाता है। पिता से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पिता टूट जाता है। पुलिस को दिए अपने बयान में उसने कहा है कि समाज में, क्योंकि उसकी बेटी ने लव मैरिज कर ली थी तो बेहद ज़्यादा समाज में उसकी बदनामी हुई थी, परिवार की बदनामी हुई थी, लोग उसे ताने भी मारते थे और इसी बात से वो बेहद ज़्यादा नाराज था और गुस्से में ही उसने ये कदम उठाया है। फिलहाल जो मृतक महिला है उसके पिता और उसके भाई को पुलिस ने धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पिता पर 376 का भी मुकदमा लगाया गया है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है।